सो टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द श्वा साउंड. श्वा साउंड क्या होता है ये हमें देखना है. ब्रिटिश में बहुत कॉमन है ये, ठीक है, पहले ही बता दूं, मतलब हर तकरीबन वर्ड में ये है, ठीक है, कहीं ना कहीं. और बहुत मज़े की बात यह है कि इसको हम रिलैक्स्ड साउंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी माउथ मूवमेंट या लिप मूवमेंट इतनी है नहीं, कुछ भी नहीं है. तो असल में ये होता क्या है, अब मेरी कहानी जो है ना बहुत गौर से सुनना, क्योंकि कहानी सुने बगैर तो मामला चलेगा नहीं, ठीक है. तो कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो. फ़र्ज़ कर लीजिए आपने बहुत सारा खाना खा लिया, ठीक है, आपने बहुत सारा खाना खा लिया. खाने के बाद आपका एक साउंड निकलता है अर करके या आर करके, है ना, आर या एर करके साउंड आपका निकलेगा, ठीक है. तो वो साउंड या तो अगर हम अल्फाबेटिकल वे में देखें ए आर या ई आर होगा, ठीक है. ए आर या ई आर साउंड को एक्चुअली हमें रिप्लेस करना है विथ ए एच और ई एच. यस, इसको हम रिप्लेस करेंगे. ए एच या ई एच को अगर हम रिप्लेस कर दें तो एक्चुअली क्या बन जाएगा, तो ये था पहले अर या एर साउंड, ये बन जाएगा अह या एह साउंड. जी हाँ, क्योंकि एच जो होता है उसका साउंड हा होता है, तो ये बन जाएगा अह या एह साउंड, ठीक है, इस तरह का साउंड ये बन जाएगा. हाँ हंस लो, दबा मुंह दबा के कहीं हंस लो भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है. बट एक्चुअली एक्सेंट्स हैं और अभी तो कुछ भी नहीं है, हमें बहुत अजीब अजीब से एक्सेंट्स हमें सीखने हैं, बट जब आप इनको वर्ड्स में अप्लाई करेंगे आपको मजा आ जाएगा, आप बोलेंगे कि मुझे इंग्लिश आ गई. तो अब हम देखते हैं कि वर्ड्स में किस तरह ये इस्तेमाल होता है. आपको सबसे पहली बात बता दूं, लेफ्ट पे आपको वर्ड दिखेंगे, वर्ड के नीचे उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगी. फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपको एक सीरीज दिखेगी सिंबल्स की, सिंबल्स में से एक सिंबल ये श्वा भी है, जो आपको अगर फोनेटिक में दिख जाए तो वहाँ आपको इसका साउंड अप्लाई करना पड़ता है. अंग्रेज़ और जितने लोग हैं हमारे पास वो तकरीबन तकरीबन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को फॉलो करके उससे प्रोनाउंस करते हैं साउंड को. तो मैंने अभी आपको सारे साउंड्स नहीं सिखाए, तो मैं आपको एक और बात बता दूं. देखें, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अलावा भी मैंने खुद अपनी एक नॉन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनाई है, जिसके अंदर मैं आपको सिंबल्स से हटके लेटर्स के थ्रू सिखाऊंगा. और लेटर्स वाला बिलीव मी आर नॉट, वो बहुत ज़्यादा आसान है, वो आपको ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करना सिखा देगा एज़ कम्पेयर टू द सिम्बल्स, ठीक है. तो पहले मैं आपको वो असल वर्ड दिखाऊंगा जिस तरह वो लिखा जाता है, उसके बाद मैं आपको उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिखाऊंगा जिससे अंग्रेज़ प्रोनाउंस करते हैं, और एंड में मैं आपको दिखाऊंगा नॉन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जिससे कोशिश करिएगा कि आप इस्तेमाल करें और उसको उसके थ्रू आप प्रोनाउंस करें. अगर आप फोनेटिक समझ लेते हैं और कर लेते हैं देन दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत मुश्किल जगहों पर बहुत बड़े बड़े जब वर्ड्स आ जाते हैं तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अजाब बन जाती है, ठीक है. तो ख्याल रखिएगा, मैं आपको वर्ड्स दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो अब आप मेरे साथ साथ उनको प्रोनाउंस कीजिए. अच्छा, प्रोनाउंसिएशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि अब जो मैं बात करने जा रहा हूं एक्चुअली ये सिर्फ इस वीडियो से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि ये ओवरऑल सीरीज़ से ताल्लुक़ रखती है, तो इसको गौर से सुनिएगा. वो ये कि जब भी आप एक लैंग्वेज सीखते हैं ना, सबसे पहली बात ये कि आप अपनी कंसनट्रेशन जो है वो वर्ड पर रखिएगा, और आपकी दूसरी कंसनट्रेशन होनी चाहिए मेरे माउथ प्लेसमेंट पे, यानी मेरी लिप मूवमेंट के ऊपर, कि मैं किस तरह से उस लफ्ज़ को बोल रहा हूँ. क्योंकि जब आप एक लैंग्वेज सीखते हैं तो आप उसी तरह बोलने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि मैं किस तरह बोल रहा हूँ. और सेकेंडली यही कि यार आप कोशिश करना कि हर तरीके की आवाज़ जो है उसको आप अवॉइड कीजिए और सिर्फ मेरी बात सुनिए, ठीक है. क्योंकि अब बैकग्राउंड है वो तो हो रहा है हल्का फुल्का, लेकिन मैं देख के बना रहा हूँ, कोई बहुत डिस्टर्बिंग भी नहीं होगा आई गेस. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला वर्ड हमारे पास है डॉक्टर, ठीक है. हम बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर ये एक जनरेटर है, ठीक है. हाँ, मेरे सेंस के अंदर, मैं इसको आर वाले रूल के अंदर पढ़ाता हूँ, बट आर वाले रूल के अंदर मेन बात मैं लोगों को ये सिखाता हूँ कि इस जनरेटर को बंद करना होगा, यू नीड टू शट डाउन योर जनरेटर, ठीक है. ये जनरेटर क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर, ये जो रा है रा, इसको बंद करना है आपको. क्यों बंद करना है, क्योंकि इसकी जगह हम लगाएंगे श्वा इस वीडियो के अंदर, ठीक है. और ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर हम श्वा को इस्तेमाल करते हैं, ना कि रा, ठीक है. ये जो र या रा है इसको हम बंद कर देंगे, इसकी जगह हम लगाएंगे श्वा, और अगर हम ऐसा कर दें तो ये डॉक्टर से बन जाएगा डॉक्टर. क्या बन जाएगा, डॉक्टर. आप देख रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉक्टर, डॉग नहीं, डॉगी नहीं, डॉक्टर, ठीक है. तो डॉक्टर के अंदर आप देख रहे हैं मैंने एच वाला कॉम्बिनेशन जो है शुआ के अंदर वो ऐड कर दिया है एंड में, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि एंड में रा था, तो रा से हमने रिप्लेस कर दिया किसको, शुआ को. बस आप ये याद रखिए, ठीक है. तो इट विल बिकम डॉक्टर. और अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ, अली इज अ डॉक्टर, अली इज अ डॉक्टर, ठीक है, ये सेंटेंस की बात कर रहा हूँ. आप देखें उसको, आपको ज़्यादा खींचना भी नहीं है, ज़्यादा वो भी नहीं करना, परेशान भी नहीं होना उसमें, जस्ट रिलैक्स्ड.
डॉक्टा डॉक्टा, ठीक है, डॉक्टा। ये मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, मैं तेज बोलता हूँ, तेज से मुराद के चीख चीख के नहीं, तेज से मुराद थोड़ा फास्ट। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं, जिसका है एक्चुअली सेंटर। हम बोलते हैं सेंटर, सेंटर, ये जो है, ठीक है, ये आप बंद कर दीजिए। तो ये जो सेंटर है, इसका हम क्या करें, क्या सेंटा करें या सेंटा करें, सेंटा क्लॉस कर दें, क्या करें? तो हमें एक्चुअली इसका करना है सेंटा, ठीक है, सेंटा। आप बोलोगे सेंटा क्लॉस, नहीं, जिंगल बेल्स नहीं, उसकी तरफ नहीं आना आपको। आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको बोलना है सेंटा, सेंटर नहीं, सेंटा, ठीक है, सेंटा, ठीक है। अगर मैं एक सेंटेंस को बोलूँ तो पूरे सेंटेंस पे फोकस मत करना, सिर्फ उस वर्ड पे करना। तो अगर मैं बोलना चाहूँ, सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द सेंटा, सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द सेंटा, बाकी सब छोड़ दो, इसलिए मैं तेज बोल रहा हूँ। अब मैं बोलूँ सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द सेंटा, तुम सेंटा को फोकस करो ना यार, सेंटा क्लॉस नहीं, सेंटा, बार बार बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग मैंने देखा है सेंटा 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 पे, सेंटा नहीं है। तो हाँ, वाकई मजाक नहीं कर रहा। एक होता है हमारे पास मदर और एक होता है हमारे पास फादर, ठीक है। थ्री और फोर्थ पे हमारे पास यही वर्ड्स हैं, बट बात यह है कि दोनों ही सिमिलर हैं बहुत, और सेम हैं बिल्कुल। मतलब आपको इसमें लाइक एक ही का ही बता दूँ तो दूसरा आपको समझ आ जाएगा। वही बात है, रा जो है आपको रिमूव करना है, मदर फादर, इसकी जगह आपको लगाना है मदर फादर, ठीक है। क्या लगाना है? मदर एंड फादर, बस। फिर से देख लीजिए स्लो करके, मदर मा द फा द, ठीक है, फा द, बस इतना है। दर नहीं, तेर नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो सारे वो वर्ड्स हो गए जिनके अंदर आपको दिख रहा है एक श्वा, और जो कि मोस्टली मिडल या आखिर में ही है। तो अब मैं आपकी बात जो है थोड़ी सी आगे बढ़ा देता हूँ, श्वा से रिलेटेड। वो ये कि अब श्वा जो है वो आखिर में नहीं है, अब श्वा जो है वो पहले है। अब जो मैं वर्ड बोलूँगा उसके अंदर वो सबसे पहले है, ठीक है। कैसे? हम एक वर्ड बोलते हैं अबाउट, 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 ये बोलते हैं हम आ से, अबाउट, ठीक है। तो हमें आ से नहीं बोलना है, हम बोलेंगे अबाउट। एक उसके अंदर वो है ना, जैसे किसी ने मारा हो, हाँ, तो उसके बाद होता ना अबाउट, एक एच है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बस सिंपल इज दैट, ठीक है। तो आप उसको वैसे प्रोनाउंस करिए। अब अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ, पूरे सेंटेंस को फिर इग्नोर करना, सिर्फ उस वर्ड पे करना, व्हाट यू नो अबाउट द वर्ल्ड, व्हाट यू नो अबाउट द वर्ल्ड, व्हाट यू नो। आप देख रहे हैं मैं अबाउट नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं अबाउट बोल रहा हूँ, ठीक है। एक उसके अंदर ह करके साउंड आपको दिख रहा होगा, हाँ। अब बहुत सारे लोग व्हाट यू, ये व्हाट यू कहाँ से आ गया भाई, व्हाट डू यू होगा। तो आपको बता दूँ, ये हम सीखेंगे एसिमिलेशन के अंदर, कि किस तरीके से आप कनेक्टेड स्पीच को आपस में कनेक्ट करते हो। खैर उसको छोड़ दो। ये तो सारे चलें फिर भी थोड़े आसान थे, अब मैं आपको एंड के कॉम्प्लेक्स वाले दिखाता हूँ। आप इसका मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपसे प्रोनाउंस हुए या नहीं हुए। तो एक होता है हमारे पास करेक्ट, हम बोलते हैं करेक्ट, कर, ये जो र है हमें रिमूव करना होगा, करेक्ट की जगह हम बोलेंगे कवेक्ट। क्या बोलेंगे? कवेक्ट, हाँ ऐसे ही बोलेंगे। मैं सेंटेंस सोच रहा हूँ, चलें नॉर्मल, बहुत छोटा सेंटेंस, इट्स करेक्ट, इट्स करेक्ट, ताकि आप सिर्फ करेक्ट पे ध्यान दीजिए। हम लिखते करेक्ट हैं, अब आप पता चले स्पेलिंग में आप आर रिमूव कर रहे हैं, नहीं, प्रोनंसिएशन के अंदर, स्पेशली इन द ब्रिटिश, आपको बोलना होगा करेक्ट, इट्स करेक्ट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक होता है टीचर, हम बोलते हैं टीचर, टीचर, ये जो फिर से रहा है, आप अब बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसकी जगह आप रिप्लेस कर देंगे श्वा को, एंड इट विल बिकम टीचर, इट विल बिकम टीचर, क्या बनेगा? टीचर, टीच, ये जो है चा, टीचा। अगर मैं एक सेंटेंस के अंदर बोलूं तो कैन आई आस्क अ क्वेश्चन टीचा, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन टीचा, क्वेश्चन पे मत जाइए, टीचर पे जाइए, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन टीचा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने बात करी कि किस तरह हम श्वा साउंड को समझ सकते हैं, किस तरह हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर। जब हम आगे दूसरे साउंड्स देखेंगे, मुझे नहीं पता अगली वीडियो कब आएगी, बट अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर। उसके अलावा कोशिश करिए कि कनेक्ट हो जाइए यूट्यूब से, क्योंकि मेन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर सारे यूट्यूब पर आते हैं और वीक बाय वीक आते रहेंगे, वो फिक्स्ड हैं।
बट प्रॉब्लम सारी आती है प्रोनंसिएशन पे, तो मैं उसका कोई टाइम नहीं कह सकता। जब मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी प्रोनंसिएशन वीडियो, तो आप जुड़े रहिएगा। और उसके अलावा कम्युनिटी बहुत छोटी है हमारी, तो कोशिश करिएगा कम्युनिटी को बढ़ाएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा देखो छोटी तो है लेकिन अच्छी बहुत है, क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सेज जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर्सनली मैसेज आते हैं, अच्छा लगता है। कमेंट्स में जब आप कमेंट करते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। तो बस इतना ही कहूँगा कि ग्रामर के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम इज़ गोना बी नेक्स्ट वीक। स्टे हम्बल, और बाकी का आगे पता है उनको जो पुराने हैं।